सो हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो देख सकते हैं जैसे कि हम लोग हैं गाड़ी में और कहीं जा रहे हैं, तो आज जा रहे हैं पुटकी के बुआ दीदी से मिलने, जो कि हमारी दीदी है। तो हम लोग आज जा रहे हैं कहाँ, तो आज जा रहे हैं पटना, है ना पुटकू। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए पटना, और पुटकू जा रही है मिलने के लिए अपनी बुआ दीदी से, है ना। बुआ दीदी से मिलने के लिए जा रही है, तो चलो मिलते हैं वहाँ पर, मिलके बात करते हैं, है ना, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग दीदी के घर पे पहुँच चुके हैं और पुटकू ऊपर में है, तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ। और इसके आते हो चुका है मस्ती स्टार्ट। पकड़ पकड़ पकड़, घुसा घुसा, मेरा उधर गया, मेरा बेटा इधर आओ, इधर आओ बउआ, इधर आओ। और ये कछुआ बेचारा मायरा की गिरफ्त से बाहर होते जा रही है, ये मायरा ने इसको डरा दिया है। और ये मायरा के सामने एक बार फिर ये पकड़ ली, बाप रे बाप इसको इतना जोर से लगता है, इसको जान निकालती कछुआ डर के भागते हुए पकड़ पकड़ से, ये पता नहीं कछुए को कछुआ के पीछे पड़ गई। ले कछुआ बेचारा डर के भाग गया, कछुआ ही बेचारा डर के भाग गया इससे, तो ये डर के भाग गई थी कछुआ। अब इसको दोबारा से लाया, कछुआ से नहीं मिलना अब हमको, हमको कछुआ नहीं चाहिए, डर के कछुआ है। देखो बाप रे, डर लगा इसको, देखो देखो अब नहीं डर लगा, डर गया बोली दी के पास, मायरा अरे बेटा बाप रे, हाँ पकड़ लो पकड़ लो, तो पकड़ तो देखो, तो कछुआ है, कछुआ बेटा का, बाप रे डर गई थी। तो बिल्कुल कछुआ से पकड़ाया जा रहा था और ये फिलहाल बहुत ज्यादा डर गई थी। तो फिलहाल देख सकते हैं कि अभी हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए, है ना पुटकू। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं बीच, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये देखो खेल रही है बैठ के, और ये फुल अपना एंजॉय कर रही है बैठ के, और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो सब लोग बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कहाँ चल रहे हैं ये, आपको मिल के पहुँच के वहाँ पर पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नहीं समझ आ रहा कहाँ से घूम रही है, तो बस स्टे ट्यून रहिए, देखते रहिए। और हम लोग फिलहाल अभी गाड़ी में हैं और पहुँच के वहाँ पे, अब आगे देखते हैं, ठीक है बेटा देखो। तो फिलहाल बहुत जाम था रास्ते में, तो हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, है ना बेटा, बिट्टू देख। और ये हम लोग फिर से एक बार जामनगर का दर्शन कर रहे हैं, तो देख सकते हैं फिर से हम लोग जाम में स्टक हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक जाम लगा हुआ है, कह नहीं सकते हैं, पर फिलहाल धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, और पीछे से हम और मायरा मिलकर पीछे से मायरा अपना ही गाना गा रही है, करके पता इसका अपना ही नहीं होता है, कुछ खुद गाते रहती है, खुद से कुछ बोलते रहती है, और हम लोग इसको बस सुनते रहते हैं, पर कोई पकड़ नहीं पाता उसकी क्या बोलती है, पर ठीक है। और ये पीछे मम्मी लोग बैठी हुई है, और ये बगल में मायरा की मम्मा बैठी हुई है, देख सकते हैं, और मायरा एकदम सारी चीज़ें एकदम फुल इंजॉय करते हुए आगे बैठ के जा रही है अपना दिन बजाते हुए। तो फिलहाल अभी हम लोग रास्ते में हैं, और मायरा को देखो, मायरा मायरा आप ही ले रही है, ये बोल रही है, सोच रही है कि यार ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हुआ, तब से चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, पता नहीं कब पहुंचेंगे हम लोग, तुम लोग चलते रहो मैं सोती हूँ इसको। तो फिलहाल हम लोग अपने पिछले सबके पहुँच चलो, और देख सकते हैं कि सब लोग उतर रहे, सब उतर, मायरा मायरा, तो देख सकते हैं कि हम लोग का, ये देख सकते हैं आप लोग इस्कन टेम्पल, इसका नाम है, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, जब हम लोग रहते थे यहाँ पे तब एक्चुअली ये नहीं बना हुआ था इसको, इसको। तो मायरा हम पहुँच चुके हैं बेटा, ये सो गए रास्ते में, चलते हैं अंदर।
तो फिलहाल देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर है, और अंदर का नजारा मस्त है, बहुत जबरदस्त है। और मायरा सोच में पड़ी हुई है कि हम लोग कहाँ आ गए, इन लोग मेरे को कहाँ लेके आ गए घुमाने के लिए। तो चलो हम लोग घूमते हैं इसका अच्छे से। मायरा मायरा चलो अच्छे से घूमते हैं फिर, और फिर आप लोग कुछ दिखाते हैं। और ये पीछे दीदी रहे, मेहमान जी रहे, मम्मी इसकी मम्मी, सब लोग हैं। तो फिलहाल चलते हैं आगे मंदिर की तरफ और देखते हैं कि क्या सब चल रहा है। मायरा बिट्टू इधर देखो, देखने लिए किसी को ये मेरे में लटकी हुई है और इसको बस दा 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 कर रही है बैठ के। और कोई फिलहाल एक बार दिखा दें आपको, देख सकते हैं आप लोग क्या जबरदस्त है। और ये रहा एंट्रेंस, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो फिलहाल चलते हैं एक बार अंदर की तरफ और देखते हैं कि ऊपर कैसा नज़ारा है। भाई नीचे से ही पता चल रहा है क्या गजब है भाई, बनाया भाई मस्त है, मतलब बहुत अच्छा खासा इन लोगों ने इस पर पैसा खर्च किए हुए हैं। और बहुत अच्छा मतलब प्लेस है घूमने के लिए। सामने सामने खासकर बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे जो भी। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि हम लोग कहाँ कहाँ जाए। भाई देख सकते हैं यहाँ पे हर एक वॉल पे, मतलब जितना भी वॉल है सारे पे जबरदस्त मतलब पेंटिंग्स बना हुआ है राधे कृष्ण भगवान का। हर एक तरीके से मतलब सजाया गया है पूरे तरफ से। और इस साइड में देख सकते हैं लड़के, और ये देखो भाई साहब क्या गजब डेकोरेशन है भाई, गजब गजब, बहुत बहुत उमदा। तो क्या चलते हैं अंदर, और ये देखिए भाई साहब क्या नज़ारा है, बाप रे पूरा हॉल भरा हुआ है, इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि लोगों को जगह नहीं मिल रहा है कि किधर से चले किधर से क्या करें। देख सकते हैं भाई साहब क्या गजब, मतलब बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देख सकते हैं आप लोग जितना दिखाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, हमको नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो बहुत जबरदस्त लग रहा है सामने से देखने में, तो बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देख सकते हैं बहुत भीड़ भी बहुत है, हम लोग घूमते घूमते आगे आ चुके हैं, और यहाँ से भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो फिलहाल देख सकते हैं हम लोग एक जगह पे बैठ गए थे जहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, और वहाँ पे मतलब भीड़ इतना था कि मतलब कहीं पे जगह नहीं मिल रहा था बैठने का। सब लोग मैक्सिमम लोग देख सकते हैं फ़ोटोज़ में भी खड़े ही होंगे, तो जिसको जहाँ जगह मिल रहा था वो बैठ जा रहा था, और बैठ के अपना जो भी हुआ फ़ोटोज़ शूट वगैरह किया, तो हम लोग भी वहीं पर बैठ के, मायरा रो रही थी तो उसको भी जाके देख सकते हैं कितना, तो उसके साथ खेल रहे थे हम लोग। अरे मम्मा का बैग पकड़ी हुई थी, वह खूब सबके साथ बैठ बैठ के फोटो खींच। देख सकते हैं कि हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब निकल चुके हैं अपने घर, क्योंकि रात हो चुका है ज़्यादा। तो फिलहाल चलते हैं घर, तो फिलहाल चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या सब हो रहा है। तो भाई साहब ये देखिए, ये लोग घूमने गए थे और ये लोग इतने थक गए हैं कि ऐसे लेटे हुए हैं जैसे इन लोग को पता नहीं एक कट्टा खेत में अकेले दौड़ा दिया हो दो तीन बार। और ये मायरा को देखो, ये तो भाई इसका कहना ही अलग है दुख दुख का। और ये देखो आई बिट्टू, अरे भाई ये देख इसको कैसे देख रही है। सो हेलो ऑल, आज है ब्लॉग का दूसरा दिन और फिलहाल बज चुके हैं सुबह के 9 और मैं उठ चुका हूँ। तो भाई ये चलते हैं फिलहाल ऊपर, देखते हैं कि क्या सब चल रहा है। तो हमारे से पहले सब लोग उठ चुके हैं, तो ये मम्मा रही है, और ये देखो इसको, ये फूफा जी के साथ खेल रही है। तुम खेल रही हो मोहिरो, तुमको मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ तुमको पता भी है? इसको मैं पूरे जगह ढूंढ रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिली, तब जाके ये ऊपर मिली है। मेरे को लगा कि ये अभी फिर से दोबारा सुबह उठे, और ये मतलब सुबह सुबह उठती है और ये उठने के बाद ही ये सो जाती है, और हम लोग के उठने से पहले ये जग के खेलते रहेगी, और उसके बाद फिर ये जल्दी ही सो जाती है। अल्लाह जल्दी खिलाने के लिए छोड़ो, चलते हैं बाहर। और बाहर देख सकते हैं भाई, अच्छा ये देखो ये महारानी किचन में है, खाना बना रही है, सब किचन में खाना बना रही है। कोई नहीं, खाना बना लो मोटा तक हम लोग बाद में, और इनसे मिलो। हेलो कुछ गुड मॉर्निंग। ये देखो भाई साहब, ये और ये दोनों खेल रहे।
तो फिलहाल देख सकते हैं हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं और ये हमारी फुचकू दादी माँ के आदर से खाना खा रही है। दादी माँ ने इसका नामकरण करा है क्या? इसका नाम है लड्डू। ओ लड्डू, लड्डू खाना खा रही है, खाना खिला रही है। लाइट्स लाइट्स बीवी लोग भी खाना खा रहे हैं। ये देखो कितना रोनकी करती भाई, इतना पूछो मत भाई, इतना ज्यादा पैंपर्स करते हैं इनको, तब जाके खाना खाएगी भाई। दीदी मम्मी का आंख दर्द कर रहा है, तो कोई नहीं दिखा देंगे आज डॉक्टर से। और ये हमारी फुचकू रानी को देखो। तो फिलहाल हम लोग को थोड़ा काम आ गया है, तो फिलहाल हम लोग गाड़ी में निकल चुके हैं और थोड़ा सा शॉपिंग भी करना है। तो फिलहाल शॉपिंग तो फिलहाल देख सकते हैं हम लोग थक चुके हैं और फिलहाल कहीं पे बैठ के सोचे कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो वही हम लोग बैठे हुए थे एक जगह पे और हम लोग सब सोच रहे थे कि क्या मंगवाए। तो देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने मंगवाया है, सब लोगों ने कहा कि चलो मसाला डोसा मंगवाते हैं और मसाला डोसा खाते हैं। तो सब लोग मसाला डोसा मंगवाए हैं और सब लोग बैठ के खा रहे हैं। और ये मायरा को देखो, मायरा पूरे टेबल पे बैठ के खा रही थी और ये इवांशु है, देख सकते हो ये इसका ऐसा रिएक्शन आ रहा है, इसको लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसको पता ही है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं और ये हो तो बेचारा ऐसे देख रही है क्या क्या है बना रहे हैं। तो फिलहाल देख सकते हम लोग भूख लग गया था एक्चुअली, तो नाश्ता कर लेते हैं। खाने के बाद क्या मंगवाया जाता है, डिजर्ट मंगवाते हैं कुछ, तो वही खा रहे हैं फिलहाल। और ये मायरा कभी टेबल पे बैठ के खाती है तो कभी नीचे बैठ के खाती है, ये पूरा गुलट गुलट के खा रही है। और भाई इसको मतलब हर जगह इसको फुल पता नहीं क्या सूझता है मस्ती, कभी वो टिश्यू पेपर को लेके पूरा छींट देती इधर से उधर और समझ में नहीं आता भाई ये क्या क्या करती है। कभी कभी तो लगता है भाई और ये देखो भाई इसका पैर ही बांध दिया मेरा को, यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, ये पैर इसको सभी लोगों ने बंधक बना लिया जैसे। और ये यहाँ पे सब लोग खाना वाना खा के सब लोग सोने के लिए आ गए, तो ये सो ही नहीं रही है, सबको परेशान कर रही है इसको इसको तो इसको सब मिली के सब इसका हालत खराब कर दी। कुछ भी जो मिलता वो खा लेती है मुंह में रख के, तो इसका हाथ ही बांध दिया जा रहा है, देख सकते हैं कितना बदमाशी करती है, रो रही है। तो फिलहाल इसको इसका हाथ बांध दिया गया जो कि नाकाम हो गया। तो चलिए फिलहाल रात हो चुका है काफ़ी और हम लोग भी सोते हैं, आप लोग भी सोइए। फिलहाल मिलते हैं कल आप सभी लोगों से, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने। तो भाइयों फिलहाल सब जग चुके हैं और अभी घड़ी में समय हो रहा है 8, सब लोग पता नहीं कहाँ है, चलते मिलते हैं। हाँ इसका देखो, ये दादी माँ के गरीब है उसके साथ घूम रही है, वाह वाह रे बेटा। इसको मम्मी सिखा रही है पापा पापा नहीं आने के लिए, पापा पापा कली माँ ये बहुत होता है, तो कभी कभी दादा दादा करती है, ये माँ 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 हमेशा माँ 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 करती रहती है। ये देखो इसको क्या, जरा मिलिए इनसे, देखिए इसको डर होता है, क्या कर रही हो ये, नींबू को लेके गोदी में ऐसे खेल रही है, इसको काट के खाने का कोशिश कर रही है, इसको पता नहीं है अगर ये गलती से लेके इसको कहीं गिर गई ना तो सीधा इसका पेट जो पचक जाएगा, तो इसको कोई मतलब नहीं है, जब पता चलेगा तब समझ में आएगा, गिरेगा तब। ये ढोलक बजा रही है, तबला समझ के उसको ढोलक समझ के पीट रही है भाई, इसका अलग ही कारनामा चलता है भाई, इसको रहने दो खेल भाई खेल। तो फिलहाल मम्मा तैयार हो रही है क्योंकि अब निकलने का टाइम हो गया। और ये देखो हमारे को ये अभी चुप हो गई तुम, दादी माँ के गोदी में है और ये मुँह उंगली हमेशा करती रहेगी और ऐसे करके वोमिट कर लेती है, अभी तक रो रही है तेरे मुँह से पता नहीं क्या निकल रही है, इसको समझ में आता है ये पूरा मुंह में लगा दी, पूरा मुंह में लगा दी गया।
तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, अपने गाड़ी में आ चुके हैं। इधर मायरा रही थी, इसको निकाल देते हैं हम लोग। कहाँ घूम रहे हो? और ये पी रही है दूध मायरा। और तो फिलहाल देख सकते हैं हम लोग रुक गए हैं लाइन होटल के पास, और यहाँ पर हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे। और क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि लाइन होटल पे खाना, इसलिए हम लोग होटल में कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं रुके, तो हम लोग यहीं पे लाइन होटल पे सोचे खाना खाते हैं। देखते हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी इन लोग अच्छा बनाते हैं। तो चले हम लोग दिखाते हैं आप लोग को क्या खाए हैं, क्या ऑर्डर किए हैं। तो ये देखिए बैठ चुकी है, अभी फिलहाल अभी ऑर्डर हुआ ही है, चाय ये लोग पिए हैं। और ये मायरा को देखिए, ये फिलहाल ने खाने का इंतजार कर रही है कि क्या आएगा, अभी तक कुछ आया क्यों नहीं हमारे पास। लेकिन बेटा सब्र कर, ये लोग चाय पी रहे हैं, चाय देती भाई मायरा, इतना ज्यादा कुछ भी खाओ छीनती है, मतलब छीन के जबरदस्ती खाएगी तुमसे, समझे। लेकिन पूरा एकदम खाएगी भी और फेंकेगी भी, आधा ज्यादा तो बर्बाद कर देती है ये। तो देख सकते हैं ढाबा, और फिलहाल हम लोग ने ऑर्डर दे चुका है चाय का, तो फिलहाल अभी चाय शायद बन रहा है। तो देख सकते हैं फिलहाल हम लोग क्या खाना है तेरे को, आ चुका है तुरतुरे, सब पी रहे हैं। और ये हमारी तुरतुरे, तुरतुरे इसको तुरतुरे खाना, क्या खाएगी तुरतुरे बहुत मायरा है ना। और इधर मायरे को देखो चाय में क्या खाना है तुमको, तुरतुरे अगर पी लिए भाई तो चाय का गिलास तुरतुरे खाओगे, तुरतुरे इसका इसके सामने तुम कुछ भी नहीं खाते, अगर खाते हो तो चलो तुरतुरे लेके आ जा, नहीं तो गया वो। तो फिलहाल हम लोगों का खाना जो है वो आ चुका है, और देख सकते हैं हम लोगों ने ऑर्डर करा था कढ़ाई पनीर था और तंदूरी रोटी था, उसके साथ भुजिया दिया है और सलाद दिया है। तो हम लोग खा रहे हैं और मायरा भी इसको टेस्ट कर रही है, क्योंकि मायरा को भी आप पहले जान सकते हैं इसको, जब तक इसको खिलाएंगे नहीं तब तक वो खाने। तो हम लोग खाना खा चुके हैं और मायरा गाड़ी के अंदर बैठ चुकी है, और सब लोग गाड़ी में देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ, तो चलिए मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग घर पहुंच चुके हैं और अभी रात हो चुका है, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सोने। आप लोग भी सोइए, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।